नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में किए वादों का ऐलान करते हुए अखिलेश ने कहा कि सभी फसलों के लिए MSP दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है तो 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र सत्य वचन और अटूट वादे पर निर्भर है। सपा के घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए MSP दिए जाने, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान करने की बात कही है। सभी किसानों को 4 साल के अंदर यानी कि 2025 तक कर्ज मुफ्त किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बीज, ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। KG से PG तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त हो। इतना ही नहीं, समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू किए जाने की बात कही गई। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित होने की बात कही गई है। BPL परिवारों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही डायल 1809 मजदूर पावर लाइन की स्थापना किए जाने की बात की जाएगी। वहीं 12वीं पास बच्चों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कारीगर बाजार स्थापित किया जाएगा। 2 एकड़ से कम खेती वालों को खाद मुफ्त मिलेगी। बुजुर्गों को 18,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। वही सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम मौजूदा और नए उद्योगों के लिए लाया जाएगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी DAP एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर बार, चौथा बिंदु, सभी BPL परिवारों को प्रतिवर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो CNG मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार IT सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, EWS, SC एवं ST की महिलाओं को शामिल होंगी। UP विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामहित भारती डोर टू डोर जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने BJP सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जनता और किसान परेशान है। BJP ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज देखिए उत्तर प्रदेश में बेटियों की क्या दशा है। किसान नौजवान रोजगार की बात करता है तो लाठियां खाता है। बता दें कि रामहित भारती सीतापुर की हर गांव से सपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री है, जिसे सपा ने इस बार टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पे नहीं बल्कि हर गांव विधानसभा क्षेत्र की जनता पे भरोसा जताते हुए
हरगांव विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों में आप जो है जनता के बीच जाएंगे? अब मुद्दे तो पूरे प्रदेश के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता सारी समस्याओं ग्रस्त और त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सरकार बनाने से पहले, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की क्या दशा हुई, दुर्दशा हुई, दुर्गति हुई। गोरखपुर में नामांकन के पांचवें दिन कल प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अपना नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मेरी पार्टी का घोषणा पत्र हमारे देश का संविधान है। मैं मायावती जी को अपनी माँ के समान मानता हूँ। मैंने उनसे मिलकर साथ जुड़ने की बात कही थी, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ने आया हूँ और यहाँ से जीत कर ही दम लूंगा। मुझे गोरखपुर की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारा संकल्प पत्र तो भारत का संविधान है। ये संविधान जिस दिन ये सुरक्षित रहेगा और जिस दिन पूर्ण रूप से लागू होगा, तब देश में खुशहाली आएगी, प्रदेश में खुशहाली आएगी। आपने कहा था पर्चा, आपको डर लग रहा था कि पर्चा खाली हो? आशंका, डरते तो हम मुख्यमंत्री से भी नहीं है, आशंका कि वो हमारा पर्चा खाली ना करा दे, क्योंकि हमने अपील की थी ना कि यहाँ के जो SSP है, क्या आप लोग नहीं जानते कि वो BJP के वर्तमान सिटिंग MP के दामाद हैं? क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा कि वो परिवार को डरा रहे थे? क्या हाथरस में प्रशासन का रोल आपने नहीं देखा? तो अपने चहितों को यहाँ बिठाया गया, उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए अपने एप्लीकेशन की थी, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ मुख्यमंत्री के चहीते SSP बने बैठे हैं, DM बने बैठे हैं, तो क्या यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाएगा? मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए। लेकिन आज तक एप्लीकेशन पर कोई बात नहीं हुई। मेरी आशंका है और मुझे आज भी आशंका है कि मुख्यमंत्री अब क्या पता जो है RO साहब को फ़ोन करें, DM साहब को कि करो कैंसिल नॉमिनेशन, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकते। सामना करते तो देखो हालात क्या हैं, BJP के विधायक MP जाते हैं, पिट के आते हैं क्षेत्र में से, ये विकास किया है। कन्नौज के जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था देखने निकले CMS गंदगी देख दंग रह गए। वार्ड हो या अस्पताल परिसर, उन्हें हर जगह गंदगी के ढेर लगे मिले। हर जगह गंदगी देख उन्होंने सफाई ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। CMS ने ठेकेदार को जल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। उनका कहना था कि ठेकेदार ने सफाई व्यवस्था ना सुधरी तो कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ललितपुर में BJP प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा का ग्रामीण क्षेत्रों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रामरतन कुशवाहा जब जनसंपर्क के दौरान तालबिहट के बुदामनी गांव पहुंचे थे, जहां पर उनका ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं ग्रामीणों की समस्या पर विधायक पर गाली गलौज करने और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने का भी आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि BJP की सदर सीट से रामरतन कुशवाहा मौजूदा विधायक और BJP प्रत्याशी हैं। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव से होते हुए दिनेशपुर नगर क्षेत्र में भारी SSP और पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। सुंदरपुर गांव में फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि पिछले दिनों सुंदरपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा और भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसको देखते हुए आज सुंदरपुर गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान चुनाव ऑब्जर्वर S मल्लिका ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का कड़ाई से पालन कराने के लिए यहां फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोग किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। गुना पुलिस ने मुरादाबाद रोड स्थित नैनी पेपर मिल के पीछे एक घर में अवैध रूप से चल रही नकली दवाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इस अवैध काम में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि कुंडा पुलिस को स्थानीय एक मकान में संदिग्ध गतिविधि के होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वहां पर दबिश दी, तो घर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इस पर पुलिस ने वहां से 10 लोगों को दवाई बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान वरिष्ठ औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर सुधीर कुमार को तत्काल सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिनकी देखरेख में यहां पर भारी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा जब्त किया गया। यहां तक कि बता दें कि यहां पर दवाई बनाने की मशीनें करीब एक माह पूर्व लगाई गई थी। दवाई बनाने वाले सरगना रुड़की में भी पहले नकली दवाई बनाने के एवज में जेल जा चुके हैं। देखिए, इसमें थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही हैं। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया, तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी
क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं, लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए, और जो जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है, इसके द्वारा वहाँ पे मजदूरों के माध्यम से इम्प्लॉय किए गए थे, 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे भेजी जा रही थी जो और नॉर्मल सप्लाई में उनको मिक्स किया जा रहा था। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टी एक दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं है, तो वहीं कई बड़े चेहरे जनता के बीच पहुंचकर उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में लालकुआ के बिंदुघत्ता क्षेत्र पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जहां उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत को जिताने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, कई कद्दावर नेता मैदान पे हैं और लालकुआ सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि यहाँ से पूर्व सीएम हरीश रावत मैदान पे है। आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फ्रेम में आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। टमटा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद। मैं न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से तमाम जहाँ तक मेरी आवाज है लालकुआ विधानसभा क्षेत्र है, उससे बाहर भी राज्य के मन सब को उनको बहुत अपना नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। टमटा जी, पहला सवाल तो ये रहेगा, कई राजनीतिक पार्टियाँ मैदान पे हैं, आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में कदम रखने जा रही है और लालकुआ सबसे हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि हरीश रावत मैदान पे है, किस तरीके से देखते हैं, क्या ये रोमांचक मुकाबला होने वाला है? नहीं, यहाँ एक तरफा मुकाबला होने वाला है, एक तरफा रूप से भारी बहुमत से हरीश रावत जी जीतने वाले हैं। सुबह से हमारी ये तीसरी मीटिंग में, अन्य मीटिंगों में जा रहा हूँ, समाज का कमजोर तबका, दलित तबका, शिल्पकार तो अनुसूचित जाति का तबका, गरीब तबका पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है, हरीश रावत जी को साथ खड़ा है। उनको लग रहा है कि हम एक विधायक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहा है। उनको लग रहा है कि बरसों से जो हमारी मांग थी, आज थी कि हमने ये बिंदुघत्ता बसाया है, आज बिंदुघत्ता एक छोटे से शहर के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन बिंदुघत्ता के लोगों अभी भी मालिकाना हक नहीं दिए गए। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस फर्दे हरीश रावत को हमारी इस बरसों की आस को पूरा करने के लिए भेजा है, तो इसलिए वो अपना विधायक नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। भारी बहुमत से जीत रहे हैं, एक तरफा मुकाबला मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनता हमसे बहुत खुश है क्योंकि हमने विकास किया है, और ये भी कह रही है कि हम लोग इस बार 60 के पार जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? अगर उनको भरोसा होता, उन्होंने विकास किया होता, भारतीय जनता पहले ही हार मान चुकी है। 4 साल के मुख्यमंत्री के जिस विकास के नाम पर जो 4 वर्ष पूरे करने वाला था, उनको भरोसा नहीं हुआ, उसको हटा दिया गया कि इसके नाम पर हम अपना चुनाव जीत सकते हैं। और उसी तरह जो यहाँ के लालकुआ से जो विधायक थे हैं, अरे सबको टिकट दिया, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? आपको पूरा आपने चुनाव से पहले ही हार मान ली कि उस विधायक पर हम क्या कहते हैं, अपना दाव नहीं, कुछ नहीं किया आपके पास। इन 5 सालों में इस राज्य बिंदुघत्ता सहित लालकुआ से राज्य में विकास के लिए कोई अवसर नहीं है। आप खुद कह रहे हैं 1 महीने पहले धामी जी कि 24,000 पद रिक्त हैं, हम उनको भरने की कार्यवाही कर रहे हैं। लालकुआ की दुर्दशा के लिए लालकुआ विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया कि चुनाव हरा कर। आम आदमी पार्टी मैदान पे है, केजरीवाल जी जब भी यहाँ पर उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है जनता को अपनी ओर खींच रही है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा हो या रोजगार देने की बात हो, किस तरीके से देखते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान पहुँचेगा? देखो, आम आदमी पार्टी RSS की बी टीम है, वो ए टीम BJP और बी टीम भाजपा है। जो सरकार दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे रही है, उत्तराखंड में जहाँ उसका कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं हम 1,000 यूनिट भी बिजली फ्री देंगे। अगर आप 300 यूनिट क्यों नहीं दिल्ली में नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं 5 सालों में आपने जो कहते हैं वहाँ टीचर है उनको स्थायी किया है, क्यों वहाँ हजारों पद खाली पड़े हुए हैं? बता दें, इन 5 सालों में 10,000 सरकारी नियुक्तियां भी आपने की है। ये उत्तराखंड के वो प्रवासी पूछी हुए जिनको क्या कहते हैं लॉकडाउन के द्वारा आपने बेइज्जत करके और दिल्ली से निकाला था, क्या भूल जाएंगे इस देश के लोग? इसलिए मोदी बताए और केजरीवाल बताए, हजारों लाखों लोगों ने जिन्हें बम्बई जिन्हें दिल्ली के विकास में अपना योगदान दिया था, जब संकट का छोड़ा है घर से लात मार करके निकालने वाले में या तो मोदी थे या केजरीवाल थे, उत्तराखंड की जनता भी उनको सबक सिखाए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीट लाएगी? उत्तराखंड में
कांग्रेस पार्टी साफ और स्पष्ट बहुमत लाएगी। संविधान में 36 को बहुमत कहा जाता है, लेकिन मोदी राज्य में इन्होंने संविधान की धज्जियां उखाड़ दी हैं। अब 36 बहुमत हम 40 से पार ले जाएंगे। और मैं अभी आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहूँ, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं इस प्रदेश के अनुसूचित जाति के तमाम लोगों से कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा है क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी सरकारी पद रिक्त पद हैं आते ही उसमें भर्तियां शुरू करेंगे। और दूसरा जो प्रमोशन और पदोन्नति में आरक्षण लागू होता है, प्रदीप टमटा कह जा रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी पदोन्नति में आरक्षण को हम लागू करेंगे। तो हमारे साथ प्रदीप टमटा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि इस बार 2022 में जनता जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है और 2022 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लालकुआ। नैनीताल के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देशन के क्रम में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अजय सिंह ने महिला कर्मचारियों को MPPG कॉलेज में 300 मतदान कर्मियों को संयुक्त रूप प्रशिक्षण दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि टीमें सभी अधिकारी कर्मचारी आपस में समन्वय बनाएं और एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए मोबाइल नंबरों को आपस में आदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी अपना मोबाइल बंद न रखे, साथ ही मतदान के दौरान चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता बनी रहे, इसी दर पर कार्य करने की जरूरत होगी।